कि आपने हाल फिलहाल में 50, 55, 65 टीवी या 43 इंची टीवी खरीदी और कहीं वो 4K की जगह 2K तो नहीं है? चलिए समझते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग क्लास। मेरा नाम है गिरिराज। सो बेसिकली अभी मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड या स्कैम चल रहा है। इनफैक्ट कई आपके ट्रस्टेड लोग भी 4K टीवी बोल के 2K टीवी बेच रहे हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा पैसों की वजह से। तो आज हम समझेंगे कि कैसे समझना है 4K टीवी या 2K टीवी, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो भी जानते हैं, जो कस्टमर है वो प्राइस ओरिएंटेड है, और दूसरा है ना, उनको 4K 2K से मतलब नहीं है, बस वो आते पूछते हैं ये 4K है क्या भैया, और वो ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी टीवी 4K है या 2K है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है। जो भी आप स्मार्ट टीवी ले रहे हैं, 50 इंची, 55 इंची या 40 इंची, मैं बड़े ब्रांड्स की बात पहली बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एक रीज़नेबल ब्रांड्स, इनफैक्ट अफोर्डेबल ब्रांड्स या चीप ब्रांड्स, चीप तो नहीं बोलूँगा कोई भी चीज़, क्योंकि दुनिया में चीप नहीं होती, मेरा बिलीव है, तो एक अफोर्डेबल ब्रांड्स या फेक ब्रांड्स बोल सकता हूँ, क्योंकि कई लोग तो सिंपली LG लेबलिंग करके प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं या सैमसंग लेबलिंग करके बेच दे रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, जब आप एक उसमें आप पहली बात आप यूट्यूब खोलेगा ही खोलेगा कोई भी स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो, तो उसके बाद उसमें आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाके आप 2K 4K ऑप्शन देख लीजिएगा। जब आप 2K और 4K ऑप्शन देखेंगे ना, तो उसमें ऑलरेडी जो 4K का जो रेशियो है 2160 करके, वो रेशियो आ जाएगा। वो रेशियो का आप क्लिक करिए और देखिए वीडियो कितना स्मूथली चल रहा है। अगर वो वीडियो स्मूथली चल रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा आपका वाईफाई की स्पीड अच्छी हो, वो अगर वीडियो स्मूथली चल रहा है तो वो ओरिजिनल 4K वीडियो है, ओरिजिनल 4K टीवी है। अगर वो मतलब अगर वो बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा वो 2K वीडियो है, 2K टीवी है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा प्ले है, कई लोग बोलेंगे कि नहीं यार, आप जाके सेटिंग में देख सकते हो कि भाई उसमें रेशियो कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा, मगर आजकल डेली वाले या जितनी भी लोकल टीवी ब्रांड्स है, वो इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर दिए कि वो इंटरनली चेंज कर सकते हैं चीज़ें। तो प्लीज़ ध्यान रखें, अपने पैसों को वेस्ट नहीं जान दीजिए। आप जो चीज़ एक्चुअली ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हो। आप रैंडमली जाके कोई भी चीज़ मत खरीदिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि वो बचें, एंड डू सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, देखिए समझे फिर खरीदें। थैंक यू।